Assalamu alaikum dear students, welcome to JavaScript part 2. Part 1 में आपने different किस्म के commands देखे जिनका ताल्लुक output से था, plus JavaScript हमको use करते हैं आपने ये देखा. इनके अलावा आज के lecture यानी JavaScript part 2 में हम जो है आपको बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट किस तरह होते हैं, इनके अलावा वेरिएबल्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कमेंट्स किस तरह होती हैं, सिंटैक्स किस तरह होता है. ठीक, तो इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह यू विल गेट सम गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट. ठीक, चलिए पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट जिस तरह आप जानते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर लाइक यू हैव सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो स्टेटमेंट है वो एंड होता है एक सेमी कॉलन से. ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर ईच स्टेटमेंट देर इज़ अ सेमी कॉलन. स्टेटमेंट होता क्या है कि उसके अंदर ये देखें एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है. जिस तरह अदर लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जहाँ पे आप लिखते हैं कि इंटीजर और फ्लोट या कैरेक्टर, सो एज सच यहाँ पे आप नहीं करते, बट जस्ट आप लिख के वी ए आर, इट शोज दिस इज़ अ वेरिएबल. इसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करें लाइक ए बी सी एक्स वाई जी, इट कैन बी यू आर यूज अ डिफाइंड नेम, लेटर ऑन यू कैन असाइन और यू कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल. ठीक, तो ये जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये स्टेटमेंट कहते हैं. जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या चीज़ है? एज यू नो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. ठीक, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको जो आप कंप्यूटर को देते हैं. इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड अ स्टेटमेंट्स एंड दे आर नॉर्मली रिटन बाय द प्रोग्रामर. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स. ठीक, यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्टेटमेंट की डिफिनेशन क्या है, तो यू कैन सिंपली आंसर कि इट इज़ अ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स, कमेंट्स, सेमीकॉलन्स एटसेट्रा. सो अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स. ठीक, सेमीकॉलन जो है ये सेपरेट करता है डिफरेंट स्टेटमेंट्स को, या अगर ये हम ये कहें कि हर एक स्टेटमेंट के आखिर में वी पुट अ सेमी कॉलन, ये बात इंशाल्लाह आपको याद रहेगी. एड अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, लाइक ये आपके सामने है, हमने यहाँ पे थ्री वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और आखिर में एक सेमी कॉलन डाला है. ठीक, नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस. वाइट स्पेस क्या चीज़ है? लाइक व्हेन वी प्रेस द स्पेस बटन ऑन द कीबोर्ड, तो वो एक वाइट स्पेस क्रिएट करता है. जावास्क्रिप्ट में अगर आप मल्टीपल टाइम्स स्पेस का बटन प्रेस करें कीबोर्ड पे, तो उससे मल्टीपल स्पेसेस जो है ना, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम प्रेसिंग द स्पेस बटन, तो इट इज़ क्रिएटिंग वाइट स्पेसेस. तो जावास्क्रिप्ट जो है वो मल्टीपल वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है और इसको एज वन वर्ड स्पेस ही कंसिडर करता है. स्पेस की फिक्र ना करें अगर आपके कोड में स्पेसेस आ जाएं. द फॉलोइंग लाइंस आर इक्विवेलेंट, ये जो दो लाइंस है वो सेम है. किस तरह सेम है? वेरिएबल पर्सन, पर्सन इज ए वेरिएबल नेम, इसको हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है. इस तरह ये भी एक वेरिएबल नेम है पर्सन, और हमने इसको एक वही स्ट्रिंग असाइन, ये दोनों सेम है. सेम इसलिए है कि अगर ये स्पेस यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ये इसको नीचे जो दूसरी लाइन है इसकी तरह इसको कंसिडर करता है. इट मींस के स्पेसेस अगर आप दें या ना दें तो इट डजंट मैटर, ये कोई एरर नहीं है. ठीक, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक.
कोड आप जानते हैं, या ब्लॉक्स, ब्लॉक आप जानते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स जब लगाते हैं तो वो एक अलग ब्लॉक बन जाता है। इस तरह इस नॉर्मली हम फंक्शंस वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करें तो यू विल इंसर्ट दीज कर्ली ब्रैकेट्स। और ये आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ट्राई किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी स्किप करूँगा बिकॉज आई एम कमिंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया कर्ली ब्रैकेट को, यहाँ पे आपने एंड किया हुआ। इट मीन्स के स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये जो है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ओके, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट कीवर्ड? सो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स आर नॉर्मली बिल्ट इन और प्री डिफाइंड कमांड्स और वर्ड्स जो कुछ जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता होता है, और उस इन इन कीवर्ड्स को आप जो है ना एज ए वेरिएबल नेम्स यूज नहीं कर सकते। ठीक, ओके। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि ये पहले से वो एक्शंस हैं जो कि जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है। इफ यू वांट टू विजिट द रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, सो यू कैन प्रेस द कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन दिस जावास्क्रिप्ट कीवर्ड ब्लू कलर्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये मैं अगर कंट्रोल का बटन प्रेस करूं और साथ में दबाऊं एंटर का बटन, क्या होगा? सॉरी, ये देखें, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस। ठीक, सो अगर आपके पास नेट है तो ये कि ये खुल गया। सो दीज आर ऑल द जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स। तो यहाँ से आप ये आराम से देख सकते हैं कौन से हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। आई एम क्लोजिंग दिस और लेट मिनिमाइज दिस, डोंट क्लोज इट। अच्छा, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कीवर्ड्स यू विल लर्न अबाउट। ये जो नीचे कुछ डिटेल गिवन है कीवर्ड्स की, लाइक ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है, डिबगर, डू व्हाइल, फॉर, फंक्शन, एफ एल्स, रिटर्न, स्विच, दीज आर, ये देखें ये वो कीवर्ड्स हैं तकरीबन आप जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर आप ये देख भी चुके हैं। फॉर लूप्स हैं, डू व्हाइल लूप्स हैं, ये इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी कवर भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका ये है जावास्क्रिप्ट का कि पहले हम बात करेंगे ना वैल्यूज की। एक हमारे पास होती है फिक्स्ड वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज एंड वेरिएबल वैल्यूज। फिक्स कौन सी होती हैं? फिक्स को हम कहते हैं फिक्स वैल्यूज आर कॉल्ड लेटरल्स, वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक, तो थोड़ा सा चले इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तो प्रोग्राम रन करते हैं कि किस तरह जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसमें हम जो है ना फिक्स्ड वैल्यूज देते हैं और फिर उनको हम ऐड या मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। सो आई एम ओपनिंग द आईडी, इट इज़ नोट पैड प्लस प्लस। जी, मैंने नोट पैड ओपन किया, ये सामने है। ये देखिए एक प्रोग्राम पहले से ओपन मैंने किया है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश न्यू प्रोग्राम। HTML हेड सेक्शन है इसके अंदर, ये चलें बिकॉज वी आर स्टडी जावास्क्रिप्ट। यू कैन राइट कि दिस इज आवर फर्स्ट और यू कैन सेकेंड जावास्क्रिप्ट एग्जांपल। फिर दिस इज स्टेटमेंट, आप लिखें जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स। बॉडी डिस्क्रिप्शन में आप आए, मैंने बताया था कि हाउ वुड यू स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखें टैग और एंडिंग स्क्रिप्ट का टैग लिखें, इसको क्लोज करें और यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट का कोड आएगा। लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल ए इक्वल टू 30, अनदर वेरिएबल ए सॉरी बी इज इक्वल टू 10। सो कैन यू पीपल ऐड दिस? यस, वेरिएबल सम डिक्लेयर करें एंड ए प्लस बी, मैंने ऐड किया। नाउ हाउ वुड यू प्रिंट दिस एडिशन ऑन द स्क्रीन?
तो मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, मैंने आपको तीन कमांड बताए थे या चार कमांड्स थे। एक का नाम था विंडो डॉट अलर्ट, एक था हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चलिए वो अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सब को अपरेंट कर दें स्क्रीन पे। या चलिए इससे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखें कि द सम इज ओके, तो स्क्रीन के ऊपर आएगा द सम इज, और इसके बाद प्रिंट करेगा इसको सम को, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको प्रोग्राम को चले फाइल सेव करें, पहले से ये सेव्ड है जावा 1.html के नाम से, ठीक है, जो कि हम मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था वही फाइल है। रन किस तरह करेंगे, तो ये ऊपर को हुआ रन, और रन का जो शॉर्टकट है वो है F5, ठीक, ये 5 है। अच्छा, ये द प्रोग्राम कौन सा अपने प्रोग्राम रन करना है, तो आप यहाँ पे ब्राउज करें और नीचे आ जाए ऑल फाइल्स, सो जावा 1 इज हेयर, ठीक, मेरे से मौजूद है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे इसका पाथ आ जाएगा। नाउ यू कैन क्लिक द रन बटन, इसको क्लोज करें, दोबारा जाए F5। F5 प्रेस करने के बाद क्या होगा, अगेन रन एंड रन, ठीक, ओके। जब मैंने इसको रन किया तो स्क्रीन के ऊपर ये देखें ब्राउजर में मौजूद है द सम इज 40। इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं, सम इज 40, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। सम तो हमारे पास आ गया, सम इज इक्वल टू सम माइनस 5, ठीक है, मैंने इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन कर दी। एंड अगेन कंट्रोल एस से सेव करें और F5 प्रेस करके इसको करें रन। अब देखिए रिसम इज 35, यानी से 5 माइनस हो गया। ये जो है मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करें, तो अगेन यू कैन राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो रिमेम्बर कि यू हैव टू पुट डबल कोट्स, द रिजल्ट इज इक्वल टू अगेन डबल कोट्स, और ब्रैकेट्स को आप बंद कर दें, सो देयर इज नो नीड टू पुट दिस हियर। अब हमने दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फाइल जो है ना वो डिस्प्ले के लिए पुट किए हैं, कंट्रोल एस सेव करें एंड अगेन प्रेस द F5 बटन एंड क्लिक द एंटर बटन। सो हेयर यू कैन सी द फ्रेश रिजल्ट, द रिजल्ट इज 35, ठीक है। ये सेंटिक्स है जावास्क्रिप्ट का कि आपने वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं डेसिमल वैल्यूज को एंटर करूँ, डेसिमल के लिए पॉइंट लगाएं, 0.5 करें, नाउ 30.5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको आप करें 10.8। नाउ कैन वी नाउ वेरीफाई व्हाट इज, अच्छा यहाँ से आप 5.2 कर रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या होगा, अगेन क्लिक ऑन द रन बटन एंड रन, ओह यस यू कैन सी द डेसिमल पॉइंट्स, सही। तो इट मींस कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर इंटीजर, डेसिमल, इवन यू कैन पुट अ देयर अ कैरेक्टर। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे, लेट मी डिफाइन ए वेरिएबल, इसका नाम रखें ST, यानी स्ट्रिंग। चले मैंने इसको नाम दे दिया, डबल कोट्स इसके अंदर लिख के, बल्कि इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाएं, ठीक, और यहाँ पे जो है आप लिख के ST, वेल क्या मेरा रिजल्ट वही होगा, मैंने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, मैंने इसको स्ट्रिंग सेव किया और पुट हेयर अ सेमी कॉलन,
एरर ना आए। और मैंने ये जो एसटी का वेरिएबल है मैंने यहाँ पे पुट किया है टू रिप्लेस दिस स्ट्रिंग ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। सेव किया, F5 का बटन प्रेस किया, फिर रन का बटन, द रिजल्ट इज द सेम। ओके या इसमें थोड़ा सा चेंज कर, द रिजल्ट इज न्यू। ओके न्यू का मैंने डाल दिया इसमें नया वर्ड, रन एंड रन। यहाँ पे देखिए न्यू नजर आ रहा है, इट मीन्स के यू कैन स्टोर इंटीजर फ्लोट एंड अ कैरेक्टर इन जस्ट दिस वेरिएबल। ठीक, तो ये चले जाओ इसके पे एडवांटेज है कि इसमें आप जो है टाइप नहीं लगते किसी वेरिएबल के साथ। ठीक, लाइक INT फ्लोट CHAR इस तरह का। ओके थोड़ा सा आगे जाते हैं। सो दिस वाज द नंबर्स, दीज आर द स्ट्रिंग यू कैन पुट इन द जावा कोड। ओके वेरिएबल्स की हमने बात की ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये आपको पता है जावास्क्रिप्ट यूजेस VAR कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एन इक्वल साइन या दैट असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। जिस तरह आपने देखा इस एग्जांपल यू कैन सी वेरिएबल x इज इक्वल टू 6। ठीक, ये भी आपने देखा। ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास ये हैं, प्लस माइनस एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मॉडल्स वगैरह और भी होंगे। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स आप जानते हैं कि जो कि वो कोड है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, जस्ट फॉर योर गाइडेंस के प्रोग्राम का कोड का मीनिंग क्या है तो अपने गाइडेंस के लिए आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ होते हैं डबल स्लैश वाले जिसे हम सिंगल लाइन कहते हैं, और स्लैश स्टार के और जिसे मल्टीपल लाइंस कह सकते हैं। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, इफ़ यू कैन नॉट गेट माय पॉइंट सो हियर आई विल राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन फ्लोट वैल्यू। ठीक, और डेसिमल पॉइंट, इसको सेव करें, रन करें। सो यू डू नॉट सी एनी कमेंट एग्जीक्यूटिंग इन ऑन द स्क्रीन बिकॉज कमेंट्स आपके सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है। ओके जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स आप किस तरह जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं, तो आइडेंटिफायर्स आर जस्ट नेम्स। ठीक, इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स एंड फंक्शंस एंड लेबल्स। ठीक है, आइडेंटिफायर हमारे पास जो है ये वेरिएबल्स को नाम देने के लिए होते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस को भी, लेबल्स को भी, कीवर्ड्स को भी। द रूल्स फॉर लीगल नेम्स आर मच द सेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो किस तरह थी, जावास्क्रिप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। यानी जो 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 वेरिएबल है उसका जो पहला वर्ड है वो या तो कैरेक्टर होगा या अंडरस्कोर होगा या फिर डॉलर साइन होगा। लाइक इफ आई पुट हियर दिस इज अंडरस्कोर ए, इट मींस इट्स अ लीगल वेरिएबल। ठीक है, या अगर मैं डॉलर का साइन पुट करूं, ठीक है इस तरह, तो ये भी हमारे पास एक लीगल वो है वेरिएबल है, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, इसको आप याद रखें। ओके जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। बाय केस सेंसिटिव इट मींस दैट इफ वी हैव टू वेरिएबल्स लाइक दिस वन लास्ट नेम, सो नेम इज कैपिटल हियर एंड इन दिस वेरिएबल द नेम इज स्मॉल, सो दीज बोथ दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। लेट मी गिव यू अ डेमो। इफ आई राइट हियर variable b and variable capital b, so it means that both these b's are different variables because one b is small, the other is in uppercase, so this is called case sensitivity. ठीक है, जहाँ पे आप जो है
लोअर केस और अपर केस डिफरेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, थोड़ा सा बता दूँ आखिर में कि एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह जो है ना चीज़ों को डिस्प्ले करवाते हैं। एक तरीका ये है कि आप लिख के विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें सम। तो ये जो है सम को डिस्प्ले करेगा एक अलर्ट बॉक्स में। इसको सेव करें, F5 रन। ये देखें द साइट सेज 36.099, सो इट मींस दैट व्हेन अलर्ट भी डिस्प्ले करता है और क्या करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी डिस्प्ले कर देगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हुआ होगा कि हाउ कैन वी डिफाइन वेरिएबल्स इन द जावास्क्रिप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। फॉर मोर डिटेल्स विजिट द वेबसाइट w3schools.com। इससे आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।